आपको इतनी बार इंजरी हुई है, आप इतनी बार कंपटीशन छोड़ दिया, वर्कआउट छोड़ा है, तो आपको सर दोबारा कमबैक की मोटिवेशन कहां से मिली? तो आपको कुछ भी हो जाएगा तो आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि मुझे लेग की इंजरी हो गई थी, तो उस टाइम पे जस्ट मेरा बिगिनिंग था, मैंने फर्स्ट टाइम यूनिवर्स जीता था, मिस्टर यूनिवर्स, और मुझे मेरा आइडेंटिटी था बॉडी बिल्डर, और मेरे पीक टाइम पे मुझे इंजरी हो गई, तो कॉन्फिडेंस चला गया क्योंकि वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, डॉक्टर ने बोला था कि रेस्ट लेना पड़ेगा, और लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगे कि अभी और 15 मिनट हो गए। इंजरी के बाद बॉडी बिल्डिंग में वापस आना मुश्किल होता है, तो बॉडी बिल्डर एक ऐसी कम्युनिटी है कि अगर वो दिल में चाहेंगे, दिमाग में लेंगे वो करना है, तो हर चीज़ को, हर ऑब्स्टेकल को पार करके वो चले जाते हैं। क्योंकि माइंड टू मसल का कनेक्शन रखना उनको बहुत अच्छा आता है, तो बॉडी बिल्डर हूँ तो फिर वो दिमाग में आ गए कि लोग ऐसे बोल रहे कि अभी नहीं आ सकता, ठीक है फिर से करके दिखाएंगे, तो वो एक दिमाग में रख के किया था मैंने कि नहीं, अगर मैं एक करूँगा एक बार, तो जितने भी लोग हैं कि जो इंजरी के कारण पीछे हट जाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, तो ये दिमाग में लेके मैंने स्टार्ट किया था फिर से। तो ऐसा मत कीजिए, आपको खेलना है तो आपके लिए करो, प्राइस आया नहीं आया इसके ऊपर आप ध्यान मत दो। क्योंकि उसके बाद आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है, एक तो आपने आपके बॉडी को इतना रिस्क में डाला रहता है, सॉल्ट बंद रहता है, शुगर बंद रहता है, कार्ब डिप्रेस रहता है, तो बॉडी आपका वीक रहता है, उसके बीच में अगर आपका ब्रेन भी वीक हो जाएगा, आपका हार्ट वीक हो जाएगा, तो ये आपको डैमेज कर सकता है। तो गाइस आप सेफ रहिए, रिजल्ट का मत सोचिए, जस्ट कॉम्पीट करना आपका काम है। जब तक स्टेज पे आओगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितने प्रिपेयर हो। यार कहना चाहूंगा कि डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स, तीन चीजें याद रखिए आप, अच्छा खाना, अच्छा वर्कआउट और रेस्ट, ये तीन चीजें आप फॉलो करिए, यू कैन डेफिनेटली गुड फिटनेस पर्सन, देन आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ क्या है।